विनोद जी से मेरा सवाल है, विनोद जी। जी देखिए ये अर्पिता जी, ये तू तू मैं जो हो रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में, इसी से एक चीज स्पष्ट हो गई है कि राजनीतिक दल इस वक्त जो है मुझे लगता मुद्दों को लेकर के, वैचारिक बहस को लेकर के खोखले हो गए हैं। वरना ये नौबत नहीं आती कोई KGF की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे भाई सवाल ये है, वो जैसे आपने एक बड़ा बुनियादी सवाल पूछा है कि अगर जेल से कोई चिट्ठी लिख दे किसी के खिलाफ तो उसका एक कानूनी प्रावधान है, उसकी जांच होनी चाहिए। और जांच का तरीका यह है कि फिर 164 धारा के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो उसका, क्योंकि 164 का जो बयान होता है वो उसके लिए उसको अदालत में साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की जो बयान देता है, इसलिए उसको सबूत माना जाता है। तो क्या 3 चिट्ठियां लिखने के बाद उसके 164 में बयान कराए गए? क्या नहीं कराए गए ना अभी तक? तो इसका मतलब जो है खाली जो है इसको मुद्दा बनाने की बात है। दूसरी बात, कोई भी जिसपे अपराध, जिसपे ठगी का आरोप हो, चोरी का आरोप हो, भ्रष्टाचार का आरोप हो, वो किसी पर भी अगर चिट्ठी लिख दे तो आप उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की बात करेंगे? ये तो संभव नहीं है ना। ये इस तरह से भाई उसके कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच कराइए अगर वो चिट्ठी लिख रहा है, गंभीर मामला है ना, कि सीधे सीधे आप लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग करने लगे। चिट्ठियां पहले भी बहुत लिखी गई है, अब मैं उन प्रकरण में जाना नहीं चाहता हूँ। चिट्ठियां तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जेल से लिखी गई है और उनमें कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं हुआ है। तेल की घोटाले में भी इस तरह की बातें सामने आई थी, उसके पहले और भी आई हैं। तो ये सब बातें मुझे लगता है ये परंपराएं ठीक नहीं है, क्योंकि आज दिल्ली से कोई लिख रहा है, कल को कोई तेलंगाना से लिख दे, कोई पश्चिम बंगाल से लिख दे, तो कहां तक आप लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग करेंगे? मुझे लगता है इसकी एक प्रक्रिया जो कानूनी प्रक्रिया है ऐसे मामलों में उसका पालन किया जाना चाहिए। LG को चिट्ठी लिखी है, LG उसकी जांच के आदेश दे, मजिस्ट्रेट को भेजे, उसके बयान करा, वो ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं भाई? अब देखिए सूद साहब, अगर चिट्ठी की बात करेंगे तो उसके खिलाफ चिट्ठी लिखी गई विनोद जी, वो ये सामान्य सी प्रक्रिया पे टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा DG बंजारा की चिट्ठी सीधा आम आदमी पार्टी के खिलाफ लिखी चिट्ठी पे उसको दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, इस पर जवाब देने की जगह, इस प्रक्रिया पे पालन करने की जगह, इसकी मांग करने की जगह, वो तो उसका ध्यान भटकाना चाहते हैं और आप उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे सुनिए, अरे कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। DG बंजारा की चिट्ठी के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया आई थी क्या? जेल से लिखी गई थी, बताइए कोई आई थी प्रतिक्रिया? फिर आप वैसी बात, मैं बातें नहीं हूँ, प्रकरण लाना चाहता हूँ, आप ही ला रहे हैं। जो एक कानूनी प्रक्रिया उसका पालन करिए ना। नहीं नहीं जरूर लाइए ना, ना DG बंजारा की चिट्ठी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लिखी गई थी, याद है? बड़ी होकर आए हैं, DG बंजारा की चिट्ठी, ठीक है, लेकिन सूद साहब, नहीं नहीं बंजारा की चिट्ठी, नहीं नहीं वो थोड़ी है, बंजारा की चिट्ठी ना, उसमें भी आपने उसको राजनीति की चिट्ठी बना दिया, नहीं आना चाहिए था, सही बात है। सब मुद्दों पे 10 साल तक लड़के हम निकल के आए हैं। अरे वो अलग बात है, तो 10 साल तक इनको लड़ने दीजिए, हमारे इनको भी लड़ने दीजिए 10 साल तक, जांच कराइए ना उसकी प्रक्रिया साफ होकर आए। अरे जांच कराइए ना, पाक साहब इनको भी होगी, इनको भी निकलने दीजिए, मुझे पाक साहब होंगे तो निकले, नहीं मैं कुछ कहना चाहता हूँ। खंडन क्यों नहीं कर रहा है वो, इसका खंडन क्यों नहीं कर रहा है? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या खंडन करता है क्या कभी इस तरह की चीज़ों का? कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी खंडन करता है क्या? शांत, बहुत सारी चिट्ठियां लिखी गई है, बहुत सारे आरोप लगते हैं। देखिए मैं चीख चिल्ला नहीं सकता, अग्निहोत्री साहब आप भी चुप हो जाइए प्लीज, किसी पार्टी का भी हो। अग्निहोत्री जी मैं तो कह रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट है, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, अग्निहोत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए इस डिबेट से आप दिल्ली की जनता की व्यथा देख लीजिए। जिस तरीके से BJP और आप पार्टी यहाँ पे डिबेट कर रही है, सरकारें भी इसी तरह चला रही है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, दिल्ली की जनता का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, BJP और आप पार्टी दोनों का सिमिलर मॉडल है, वो मॉडल क्या है? करप्शन और प्रोपोगंडा, करप्शन करो और प्रोपोगंडा करो, काम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों को पता है काम पे तो इनको वोट मिलता नहीं है। BJP के मुद्दे अलग रहते हैं वोट लेने के, केजरीवाल जी के अलग रहते हैं, काम कौन करेगा दिल्ली की जनता के लिए? ठीक है, तो ये जो डिबेट है ना, इससे ये प्रूव होता है जिस तरीके से ये डिबेट कर रहे हैं उसी तरीके से सरकार चल रही है। मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया।